हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू संदीप सर जी के. आप सबका संदीप सर जी के में स्वागत है. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होंगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स को अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, बहुत कम टाइम है. तो जल्दी जल्दी रिविजन्स हम करते हैं. और ये जो जीके की क्लास होती है आपकी, इसमें मैं क्या कराती हूँ, रैपिड फायर क्वेश्चंस कराती हूँ. मतलब क्वेश्चन आंसर की हम इसमें क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, हमारे चैनल पे रोज़ कितनी क्लासेस चल रही हैं एक बार आप शेड्यूल देख लीजिए. और जब तक मैं टाइम टेबल आपका लिख रही हूँ, एक बार आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में. और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. अब देखिए, सुबह आपकी 7 AM पे साइंस वन लाइनर होती है. ठीक है, इस क्लास में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन और आंसर, उसका क्वेश्चन और आंसर लर्न करते हैं. ठीक है, वन लाइनर मतलब हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन का हमें एग्जैक्ट आंसर लर्न करना है. हम ये प्रैक्टिस करते हैं सुबह 7 बजे वाली क्लास में, जो मैं लेती हूँ. ठीक है, इसके बाद 9 बजे क्लास होती है आपकी जीके एक्सप्रेस. ठीक है, ये क्लास संदीप सर लेते हैं आप लोगों के लिए. इसमें क्वेश्चन आंसर्स की आप प्रैक्टिस करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स. इसके बाद आपकी एक क्लास होती है 12 PM पे, एग्जैक्ट 12 नून पे होती है. ये मैं लेती हूँ आपकी जीके साइंस एक्सप्रेस क्लास है इसका नाम. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं. ये जो अभी मैं ले रही हूँ आपके लिए क्लास, अपन इसी टाइम पे रोज़ 12 बजे आप आइएगा. अभी जो क्लास होगी वो यही क्लास है 12 बजे. ठीक है, एंड इसके बाद आपकी 1:30 बजे होती है फिजिक्स की क्लास, जो हमारे प्रवीण सर लेते हैं आपके लिए, जिसमें न्यूमेरिकल और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपको बताए जाते हैं, डिटेल में स्टडी कराई जाती है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स की विद क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू. एंड उसके बाद आपकी आई गेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, रात के 11 PM पे जीके का वन लाइनर. अभी ये स्टार्ट होने वाली है, ये क्लास अभी स्टार्ट हुई नहीं है, होने वाली है बहुत जल्द, इस क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, जैसे सुबह आप 7 बजे वन लाइनर साइंस की प्रैक्टिस करेंगे, वैसे रात में 11 बजे आप जीके के वन लाइनर्स की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, अब ये पूरा शेड्यूल है हमारा. और 4 बजे हमारी एक क्लास रेगुलर जो NTPC की चल रही है वो अलग है. ये हमारा पूरा शेड्यूल है यूट्यूब पे. आप जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, उसके बाद हम जल्दी से क्या करते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट. ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? Which of the following is the best electrical conductor? ड्राइवर नहीं, कंडक्टर. ठीक है, चालक. पहला ऑप्शन तांबा, कॉपर. सेकेंड ऑप्शन लोहा, दैट इज आयरन. थर्ड ऑप्शन एल्यूमिनियम. फोर्थ ऑप्शन सिल्वर. सिल्वर इज द राइट आंसर. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जो चांदी है वो सर्वोत्तम विद्युत चालक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स, अति चालक का लक्षण है, क्या लक्षण है? पहला ऑप्शन उच्च पारगम्यता, मतलब हाई परमिएबिलिटी. निम्न पारगम्यता, डैट इज लो परमिएबिलिटी. थर्ड ऑप्शन शून्य पारगम्यता, डैट इज जीरो परमिएबिलिटी. एंड फोर्थ ऑप्शन अनंत पारगम्यता, डैट इज इटर्नल परमिएबिलिटी. द राइट आंसर इज उच्च पारगम्यता, डैट इज हाई परमिएबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे. आपस में जुड़ी दो अवशेषित आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, यदि वे हो क्या हो? इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर इफ दे एग्जिस्ट. पहला ऑप्शन ऑन द सेम चार्ज, समान आवेश पर हो. सेकेंड ऑप्शन ऑन सेम धरिता, मतलब ऑन सेम पोल्स. थर्ड ऑप्शन समान प्रतिरोधिता पर हो, डैट इज एट सेम एट इक्वल रेजिस्टिविटी. एंड फोर्थ ऑप्शन समान विभव पर हो, मतलब एट द सेम वोल्टेज. तो करंट कहाँ पे फ्लो नहीं होगा, जब वो सेम वोल्टेज में होगा. करंट कहाँ फ्लो होता है, हमेशा हायर से
लोअर वोल्टेज में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, बाय हुम इज द ऑल्टरनेटिंग करंट रिप्लेस्ड बाय अ डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। पहला ऑप्शन फिल्टर, सेकेंड ऑप्शन रेक्टिफायर, थर्ड ऑप्शन मोटर एंड फोर्थ ऑप्शन ट्रांसफॉर्मर। तो जो रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी हमारा एसी करंट ऐसा होता है और डीसी कैसा होता है, ऐसा होता है, बट ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम जब रेक्टिफायर लगाएंगे तो हमें यूनिडायरेक्शनल एसी मिलता है, जनरली उसको हम रेक्टिफायर से क्या बोलते हैं कि हमको डायरेक्ट ये मिलता है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, वॉट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ एन आइडल वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है। शून्य होती है, दैट इज जीरो। निम्न होती है मतलब कि, निम्न मतलब लेसर, अनलिमिटेड होती है मतलब इन्फिनाइट, असीमित मतलब इन्फिनाइट, दैट इज नॉट अनलिमिटेड, इन्फिनाइट होती है, इसका इन्फिनिटी का सिंबल ऐसा होता है। उच्च होती है मतलब हाई होती है। तो जो रेजिस्टिविटी होती है आइडल वोल्ट मीटर की वो क्या होती है, हमेशा इन्फिनाइट होती है। ठीक है, वैसे आइडल जैसा कॉन्सेप्ट फिजिकल लाइफ में कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, व्हाट डज ओम्स लॉ डिफाइन। फर्स्ट ऑप्शन प्रतिरोध, दैट इज रेजिस्टेंस। बी ऑप्शन केवल धारा, दैट इज ओनली करंट। थर्ड ऑप्शन केवल वोल्टेज, वोल्टेज ओनली। एंड फोर्थ ऑप्शन बोथ करंट एंड वोल्टेज। तो जो ओम्स लॉ है वो क्या होता है, वो दोनों को बताता है। क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ होता है। तो वोल्टेज भी आ रहा है, करंट भी आ रहा है। तो राइट आंसर इज बोथ करंट एंड वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, शुष्क सेल है, व्हाट इज ड्राई सेल। प्राथमिक सेल है, दैट इज ये प्राइमरी सेल है। सेकेंड ऑप्शन सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल। थर्ड ऑप्शन तृतीयक सेल, दैट इज टर्शरी सेल। या फोर्थ ऑप्शन चतुर्थक सेल, दैट इज कोरल्टाइल सेल। जो ड्राई सेल्स हैं ये क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी सेल्स होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है, व्हाट इज अ फ्यूज वायर यूज्ड फॉर। पहला ऑप्शन हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, हाई करंट फ्लो विदाउट डैमेजिंग। सेकेंड ऑप्शन अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, दैट इज ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव करंट फ्लो। थर्ड ऑप्शन किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट समवन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, दैट इज नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव करंट फ्लो। अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है फ्यूज वायर का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बना होता है, किस धातु से बना होता है। सेफ्टी फ्यूज वायर यूज इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज मेड अप ऑफ विच मेटल, इज मेड अप ऑफ मेटल हुज। अभी सारी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, किस मेटल में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो फ्यूज वायर बनाने के लिए हमको यूज में लेनी पड़ेगी। प्रतिरोध कम हो, डैट इज रेजिस्टेंस रिड्यूस्ड। सेकेंड ऑप्शन गलनांक कम हो, लो मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड ऑप्शन विशिष्ट घनत्व कम हो, रिड्यूस्ड स्पेसिफिक डेंसिटी। या फोर्थ ऑप्शन रिड्यूस्ड कंडक्टिविटी। तो जो फ्यूज वायर है, हम ऐसी वायर्स को यूज करेंगे बनाने के लिए फ्यूज वायर को जिनमें लो मेल्टिंग पॉइंट हो, जब भी तो वो सर्किट को ब्रेक करेगा। गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। अ फ्यूज वायर इज आइडेंटिफाइड टू कॉज दी सिम्पटम्स। पहला ऑप्शन न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, दैट इज लो रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड ऑप्शन उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक, दैट इज हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड ऑप्शन उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक, दैट इज हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट।
या फोर्थ ऑप्शन न्यूनतम प्रतिरोधकता और न्यूनतम गलनांक, मिनिमम रेजिस्टिविटी एंड मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट। तो जो फ्यूज वायर होता है उसमें क्या होता है, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है, उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होता है, ये फ्यूज वायर के लिए प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन बेटा जेई मेंस में पूछा गया CBT 2 में, जो मैंने कराया प्रीवियस वाला। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। अ फ्यूज वायर इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। पहला ऑप्शन, संचारण में विद्युत ऊर्जा के खर्चे को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द ट्रांसमिशन। सेकेंड ऑप्शन, वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, टू कीप द वोल्टेज लेवल कॉन्स्टेंट। थर्ड ऑप्शन, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट एक्सेस करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। एंड फोर्थ ऑप्शन, विद्युत धारा को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिकल वायर फ्रॉम ओवरहीटिंग। अभी मैंने बताया था, अपन इसके पहले ही क्वेश्चन में किया था कि फ्यूज वायर को क्यों यूज किया जाता है, टू प्रिवेंट द एक्सेस करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, ताकि हमारा जो भी डिवाइसेस है हमारे बच जाए हाई वोल्टेज के कारण, उनमें क्या ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का सिद्धांत है, द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज। पहला ऑप्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट दैट इज विद्युत का रासायनिक प्रभाव। सेकेंड ऑप्शन, मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव। थर्ड ऑप्शन, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। या फोर्थ ऑप्शन, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो जो फ्यूज है वो किस पे काम करता है, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, इसको हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। अब कई लोग ये नहीं बोला कि मैम आपने हीटिंग नहीं बताया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी होता है और थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट होता है, वो दोनों सेम मतलब डिफरेंट वर्ड है पर सेम मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, समांतर प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज वायर्स आर मेड अप ऑफ। पहला ऑप्शन, टिन और निकल की मिश्र धातु से, दैट इज फ्रॉम टिन एंड निकल अलॉय। सेकेंड ऑप्शन, लेड और लोहे की मिश्र धातु से, लेड एंड आयरन अलॉय। थर्ड ऑप्शन, निकल और लेड की मिश्र धातु से, फ्रॉम अ अलॉय ऑफ निकल एंड लेड। एंड फोर्थ ऑप्शन, टिन और लेड की मिश्र धातु से, फ्रॉम टिन एंड लेड अलॉय। द राइट आंसर इज टिन एंड लेड अलॉय से हम बनाते हैं किसको, फ्यूज वायर को, टिन और लेड की मिश्र धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। ये बहुत इजी आंसर है, कई बार पूछा और कई बार पूछा और चांसेस है कई बार पूछा और जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में। What element is the filament of electric bulb made up of? ये सबको पता है। First option copper, second option iron, third option lead और fourth option tungsten. Tungsten is the right answer. आजकल तो ये बल्ब देखने को भी नहीं मिलते, LED ने सब रिप्लेस कर दिया। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में tungsten का प्रयोग होता है, क्योंकि इसका tungsten is used in the manufacture of इलेक्ट्रिक बल्ब वायर एज इट्स उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसमें, दैट इज हैव अ हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सेकेंड ऑप्शन हैव अ लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है। थर्ड ऑप्शन उच्च प्रकाश उत्सर्जन क्षमता होती है दैट इज हैज हाई लाइट एमिशन कैपेबिलिटी। एंड फोर्थ ऑप्शन उच्च गलनांक होता है हैज हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। आई वॉन्ट आंसर, मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। ओ मैंने बता, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, हुज यूनिट इज द किलोवाट आर। पहला ऑप्शन विभवांतर दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन विद्युत शक्ति दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। थर्ड ऑप्शन विद्युत ऊर्जा दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड फोर्थ ऑप्शन दैट इज विद्युत विभव वही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। द राइट आंसर इज किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर की यूनिट है शक्ति।
शक्तिमान की यूनिट, शक्ति की यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, तड़क चालक का आविष्कार किसने किया? Who invented the lightning conductor? अब बताइए मुझे, आप लोगों को पता लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, उनके ऊपर लगाया जाता है लाइटनिंग कंडक्टर, विद्युत तड़क चालक भी जिसको हिंदी में बोला हाँ तड़क चालक लिखा तो विद्युत चालक तड़क चालक बोला जाता है। जो ऐसे समझो इस चीज़ को, थोड़ा सा टाइम दूंगी यहाँ पे। जब बहुत तेज़ बिजली कड़कती है, हमने सुना बिजली गिर गई, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो बिजली गिरने के कारण, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर्स लगाते हैं कि उस एरिया में बिजली गिरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, रेयर रहते हैं। तो अब बताइए ये किसने इन्वेंट किया था, कौन से साइंटिस्ट ने? पहला ऑप्शन ग्राहम बेल, सेकेंड ऑप्शन लॉर्ड लिस्टर, थर्ड ऑप्शन बेंजामिन फ्रैंकलिन, और फोर्थ ऑप्शन द ग्रेट आइंस्टीन। द राइट आंसर इज बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, एक कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? फर्स्ट ऑप्शन थर्मोपाइल, सेकंड ऑप्शन सोर सेल दैट इज सोलर सेल, थर्ड ऑप्शन डायनेमो, लघु नाभिकीय रिएक्टर दैट इज मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जो भी हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं तो उनमें क्या लगा के भेजते हैं? सोलर सेल लगा के भेजते हैं ताकि वो एनर्जी लें, क्योंकि हम बैटरीज को नहीं भेज सकते ना। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? द डिवाइस टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज फर्स्ट ऑप्शन डायनेमो, सेकेंड ऑप्शन ट्रांसफार्मर, थर्ड ऑप्शन विद्युत मोटर दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर, एंड फोर्थ ऑप्शन इंडक्टर। आप बताइए, द राइट आंसर इज इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, द सेमीकंडक्टर चिप यूज्ड इन इंटीग्रेटेड सर्किट इज मेड अप ऑफ, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसके बनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन कार्बन, थर्ड ऑप्शन सिलिकॉन, फोर्थ ऑप्शन जिरकॉन। द राइट आंसर इज सिलिकॉन, सबको पता है किसके बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है, ठीक है। जितनी भी आईसीज हैं, मोबाइल्स में लगती हैं, कंप्यूटर्स में लगती हैं, लैपटॉप में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आई गेस आप लोगों को पता होगा। व्हाट इज द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी? द राइट आंसर इज रेक्टिफायर से करते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग देखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की जल्दी जल्दी, तो इससे आपको आंसर्स भी लर्न होंगे और आपकी मेमोरी स्किल्स भी शार्पन होंगी। और जो अपकमिंग एग्जाम्स में हैं, आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे, और आई थिंक ये रिपीट हो के आपको मिले। आई विश कैसा हो जो क्वेश्चंस मैं लेके आ रही हूँ कि वो आपको आने वाले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे भी साइंस पूछा जाता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।